નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો ચિલ્ડ્રેન, સ્ટેન્ડર્ડ સેકન્ડ, સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ, યુનિટ ટુ. ટુડે વી વિલ લર્ન અ સ્ટોરી આઈ વોન્ટ. ઓન ધ પ્રીવિયસ વિડીયો વી હેડ લર્ન ધ સ્ટોરી એન્ડ આઈ હેડ એક્સપ્લેન યુ અબાઉટ ધ સ્ટોરી, રાઈટ? ટુડે વી વિલ લર્ન ન્યૂ વર્ડ્સ ઓફ ધ સ્ટોરી. Okay, now let's start our new words from the textbook. Now let's learn new words from this story. The first word is strong. S-T-R-O-N-G, strong. Now, आपको पता है strong का meaning क्या होता है? Yes, मजबूत. हम है ना strong, बहुत ही strong. Yes, हम बहुत ज़्यादा work कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग और मम्मी को हेल्प भी करते हैं ना घर पर. यस, तो स्ट्रॉन्ग. और सेकेंड वर्ड कौन सा है? डब्ल्यू एन डी, वॉन्ट. नाउ वॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? छड़ी. यस, तो जादू की छड़ी थी ना हमारी लेसन में, हमने जो स्टोरी रीड की थी, तो मंकी के पास क्या था? यस, जादू की छड़ी थी ना. डब्ल्यू एन डी, वैंड, राइट. The next word is W-I-S-H-E-S, wishes. What is the meaning of wishes? Yes, इच्छाओं. हमारी भी इच्छा होती है, हम भी विश करते हैं, हम गॉड से विश करते हैं, मम्मी पापा के पास विश करते हैं, करते हैं ना बच्चे? हाँ, तो विश का मतलब है इच्छाएँ. हमें जो इच्छा होती है तो हम मांगते हैं, गॉड के पास भी मांगते हैं, मम्मी के पास भी हम मांगते हैं कि मुझे न्यू फ्रॉक चाहिए या फिर मुझे न्यू बुक्स चाहिए, हम विश करते हैं ना. हाँ, वही. फिर नेक्स्ट देखते हैं बी एल ओ डब्ल्यू एस, ब्लोज. नाउ इन दिस लेसन वी सो ब्लोज. ब्लोज का मीनिंग क्या था बच्चों? यस, ब्लोज का मतलब झटकना. जो पानी एलिफेंट ने क्या किया था, पानी उसके ट्रंक में भर के अपने आप पे छिड़का था, राइट? तो जोर से फूंक मार के, जोर से ब्लो किया था और अपने आप पे छिड़क दिया था, तो उसका मीनिंग होता है ब्लोज. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टी आर यू एन के, ड्रंक. नाउ दिस इज वेरी इजी, मुझे पता है आपको भी पता है. यस, ड्रंक का मीनिंग क्या होता है? एलिफेंट की सूंड. यस, वेरी गुड. अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा न्यू वर्ड एम ओ एन एस टी ई आर, मॉन्स्टर. वॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्स्टर? राक्षस. यस, राक्षस जैसा दिख रहा था ना लिटिल मंकी, वेरी गुड. तो आपको तो सारे न्यू वर्ड्स आ गए, तो अब आपको यहाँ क्या करना है? एवरीडे आपको न्यू वर्ड्स रीड करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है न्यू वर्ड्स में से सेंटेंसेस बनाने के लिए, राइट? ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक. Let's read first the heading of it. Put a tick or a cross against the following sentences. One has been done for you. Okay children, now you have to put tick mark or you have to put cross mark in these boxes, right? First, हम पहले रीड करना स्टार्ट करते हैं. तो पहला तो आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है. लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस, राइट? द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग. इज इट राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स इट इज राइट. दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी टिक, राइट? वेरी गुड. नाउ आवर सेकेंड सेंटेंस. पहले तो आपको पूरी स्टोरी, हमारी पूरी स्टोरी याद करनी पड़ेगी, तभी आप ये सेंटेंस के सही आंसर्स दे सकोगे, क्योंकि ये सारे जो सेंटेंस है वो पूरी हमारी स्टोरी के रिलेटेड है. तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे टिक, राइट और क्रॉस मार्क लगाना है. चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं.
A wish woman does not hear him. Okay children, आपको पता है विश वूमन ने लिटिल मंकी का सुना था, उसकी विश सुनी थी या फिर नहीं सुनी थी? She hears him or not? Yes, उसने तो उसकी सुनी थी और उसको क्या दिया था? Magic wand, right? Very good. तो यहाँ पे क्या आएगा? Wrong, right? Okay. Now next sentence. She gives him a wand. Yes. अभी हमने डिस्कस किया ना, तो उसकी विश भी सुनी थी और विश को फुलफिल यानी कि उसकी विश पूरी हो जाए उसके लिए उसको क्या दिया था? मैजिक वॉन्ड दिया था. तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट देखते हैं. द जिराफ स्ट्रेचेस हिम लॉन्ग नेक. तो क्या जिराफ ने अपनी लॉन्ग नेक को स्ट्रेच किया था? थिंक अबाउट इट. हाँ, उसने तो स्ट्रेच किया था. उसको क्या खाना था? टॉप ऑफ द ट्री से उसको स्वीट स्वीट लीव्स खाने थे, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, टेक राइट मार्क, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट. द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक. क्या एलिफेंट के पास ट्रंक नहीं थी बच्चों? थी, यस. एलिफेंट हैज़ ट्रंक, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, राइट. एंड द नेक्स्ट इज द ज़ेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स. ओके चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी ज़ेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स और नॉट? यस, ज़ेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, ज़ेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी. नाउ नेक्स्ट. द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर. लिटिल मंकी ने क्या रिवर में मॉन्स्टर देखा था? थिंक अबाउट इट. यस, मॉन्स्टर देखा था. उसका फेस मॉन्स्टर जैसा हो गया था ना. उसके फेस पे बड़ा सा ट्रंक था और उसकी बॉडी पे ज़ेब्रा के स्ट्राइप्स थे और फिर क्या था? लॉन्ग नेक, जिराफ की तरह. हाँ, तो वो कैसा लगने लगा था? लिटिल मंकी तो मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा था ना. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट, वेरी गुड. तो हमने ये सारे बॉक्सेस पे टिक राइट एंड रॉन्ग करना है, राइट. ओके, आई विल शो यू. आपको वैसे ही फिलअप करना है. तो यहाँ पे हमारे आंसर्स तो रेडी है. तो फर्स्ट तो एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया था राइट, राइट. तो सेकंड में क्या आएगा? अ विश वुमन डज नॉट हियर हिम, रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट. शी गिव्स हिम अ वॉन्ड, यस, राइट. द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, राइट. द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक, रॉन्ग. द ज़ेब्रा हैज़ स्ट्राइप्स, यस. The little monkey sees a monster in the river. Yes. तो यहाँ पे हमारे सारे answers ready है. You have to fill up in your book, right? Okay. Let's talk. Okay children, now we will talk about yourself, right? अब आपको आपके बारे में ही answer देना है. तो आपको कहीं पे भी books में या story में देखने की ज़रूरत नहीं है. You have to give your answers truly with your own self, right? Okay, let's start the first question and you have to talk with me. Is there anyone in your class whom you like? क्या आपके क्लासरूम में ऐसा कोई है जिसको आप लाइक करते हो, जिसको आप पसंद करते हो? So, if suppose my answer is yes, then I can tell, yes, I like my best friend in my class. Her name is Pia. जैसे कि मेरी फ्रेंड का नाम पिया है, मुझे वो बहुत पसंद है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे वो बहुत पसंद है, राइट. तो मैं कह सकती हूँ यस. ओके, ओके. नाउ लेट्स सी अवर सेकंड क्वेश्चन. डू यू वांट टू बी लाइक हर और हिम, व्हाई? ओके, क्या आप उसकी तरह बनना चाहते हो, क्यों? तो आपको आंसर देना होगा. यू हैव टू गिव मी अ राइट आंसर. ओके चिल्ड्रन,
सपोज माई आंसर इज येस, मुझे तो पिया की तरह बनना है, राइट? तो मैं कहूँगी येस, यू का यहाँ पे हो जाएगा आई, बिकॉज आई एम आस्किंग टू यू क्वेश्चन. जब आपको मैंने क्वेश्चन पूछा है तो जब आप मुझे आंसर दोगे तो आप आंसर की स्टार्टिंग कैसे करोगे? आई से. जैसे कि येस आई वॉन्ट टू बी लाइक हर बिकॉज, अब मैंने पूछा वाई, इसलिए आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा बिकॉज के साथ, राइट? वाई का आंसर तो आपको मुझे बिकॉज से ही देना पड़ेगा. बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज़ द टॉपर ऑफ द क्लास. एक तो वो इंटेलिजेंट है हमारी क्लास में, और प्लस पॉइंट दूसरा क्या है पता है, वो तो टॉपर है हमारी क्लास में, हर बार उसका रैंक आता है, तो मुझे तो उसकी तरह बनना ही है. ओके, तो आपका जो भी आंसर हो वो आपको देना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स लुक आवर थर्ड क्वेश्चन. डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स? क्या आपको पता है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उसके उनके फूड के बारे में आपको पता है? येस आई नो अबाउट दैट, मुझे तो पता है इसलिए मैं आंसर दूंगी. आपको पता है तो आपको भी मुझे आंसर देना होगा, राइट? येस आई नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स. द जिराफ ईट्स लीव्स, राइट? द टाइगर एंड द लायन ईट्स पेल्स ऑफ द अदर एनिमल्स. वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं ना. हाँ, द काउ ईट्स ग्रास, राइट? द गोट ईट्स ग्रास. तो ऐसे ही आप आंसर्स लिख सकते हो. उसका आंसर बहुत लंबा भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, जैसे आपकी मर्जी. आपको जैसे देना है आप दे सकते हो. जितने एनिमल्स के बारे में आपको पता है फूड के बारे में, तो आप आंसर दे सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हमारे 1, 2 and 3 क्वेश्चंस लेट्स टॉक के कंप्लीट होते हैं. नाउ लेट्स लुक द सेकंड, लेट्स लिसन. नाउ यू हैव टू लिसन इट, राइट? व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू डू? लिटिल मंकी क्या करना चाहता था? द लिटिल मंकी वांट्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग. उसे क्या होना था? स्ट्रॉन्ग बनना था. Yes. Okay. Now next question is, who hears him? Little monkey को किसने सुना? जब वो wish कर रहा था तो किसी ने उसको इसकी wish सुनी थी ना. हाँ, तो किसने उसकी wish सुनी थी, याद आया? हाँ, little monkey's wish hears a wish woman hears him. Wish woman ने, हम फेरी कह रहे थे ना, हाँ वही विश वुमन जो हमारी विशेष पूरी करता है, उसने उसकी बात सुनी थी, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ? क्या आपको पता है एलिफेंट कैसे बात करता है? मुझे तो पता है. एन एलिफेंट फील्स हिज ट्रंक विद फुल ऑफ वाटर. पहले वो क्या करता है, पूरा पानी उसके ट्रंक में भर लेता है, राइट? एंड ब्लो इट ओवर हिमसेल्फ. फिर वो जोर से ब्लो करके छोड़ता है अपने आप पे, झटक देता है और शावर की तरह बात करता है मज़े से. क्यों, है ना? हाँ, ऐसे ही बात करता है एलिफेंट, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रेक्स? क्या आपको पता है ज़ेब्रा की बॉडी में स्पॉट्स थे या फिर स्ट्राइप्स थे? ज़ेब्रा की बॉडी में तो स्ट्राइप्स थे, तो आंसर हम क्या लिखेंगे? ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी. उसके सारी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या था? स्ट्राइप्स थे, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं ना. हाँ वही. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why does little monkey want to be himself again? Little monkey फिर से वो अपने आप को जैसा था वैसे क्यों बनाना चाहता था? क्या आपको पता है? हाँ, आपने तो स्टोरी बहुत ही अच्छे से रीड की थी मेरे साथ, राइट? तो आंसर तो हमें पता ही है. The little monkey found himself look a monster.
वो कैसा दिख रहा था? मॉन्स्टर की तरह, राइट ना? हाँ, देयरफॉर ही वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन, इसीलिए वो बहुत डर गया था और उसने क्या कहा कि अब मुझे जैसा मैं था वैसा ही मुझे बनना है, हिमसेल्फ अगेन। तो यहाँ पे हमारे लेट्स लिसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।